खा लेता। कोई कह दे मर जाएगा तो सामने से जवाब आता है सारी उम्र मरे रहते हैं, 5 दिन से जिंदा हूं साहब, बाबा की सेवा कर रहा हूं। भजन का क्या है? सुनो सुनाए एक कहानी कैसी बनाइए, शीश का दानी क्यों दिया था शीश दाने, क्यों कहलाए ये शाम दी जा रही है। क्या हुआ ऐसा दरबार में जहां सन 2000 से पहले गिने चुने भगत जाते थे, अब 2000 के बाद सोचना पड़ता है कि कौन से दिन जाएं, कहीं भीड़ ज्यादा ना हो। ऐसा क्या कर दिया खाटू वाले श्याम ने, ऐसा क्या वरदान है उस परवरिक को जो लखदादार कहलाने लग गया। क्यों आज दुनिया कहीं भी जाती है मगर खाटू जाने से पहले हार कर चली जाती है कि बाबा तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है। क्यों पत्थर से पत्थर दिल भी वहां जाकर रोने लग गया है, जरा प्रेम से सुनिएगा। क्यों सभी देवी देवताओं के शरीर है, खाटू वाले श्याम के सिर्फ शीश है, क्यों नहीं है शरीर, जरा प्रेम से सुनिएगा। मेरे हाथ जोड़कर विनती, सिर्फ 10 मिनट के लिए भाव से कह दीजिएगा, हरे खाटू है सारा सारे भी तुझको इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी इस महाभारत के
युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि भैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोला जा बेटा, मगर जाने से पहले दो वचन दे। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा, दे देगा। बोलिए दानवीर बाबा श्याम की। निकल पड़े बरबरी, जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ रामदी की हमारे बाबा शाह उठाओ जरा दोनों हाथ। जाकर आइए, देखिए ये कौन है। इस बालक को देखकर ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। जाकर देख कर आओ कौन है। तो वासुदेव कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। किसका? ब्राह्मण का। बोले बरबरीक कहां जाते हो? अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। बरबरीक बोले प्रभु मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। और वही बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो तो उम्र नहीं देखा करते, निकल करते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े बड़े योद्धा है उस युद्ध में, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है। बरबरीक बोले मेरे जो तरकश में तीन बाण है, आदेश दीजिए एक ही बाण से पूरे महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा, एक बार आदेश दीजिए। और ये तीन बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बरबरीक ने चढ़ाया प्रतंसा में बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते छिड़ गए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिड़े हुए ही प्रकट होते हैं, साबुत होते नहीं आते। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ा, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरी किसका साथ दोगे? बरबरी बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। हरे का तो है वासुदेव। ये छलिया कोई नहीं समझ पाया इनकी माया को, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, ये किसी का नहीं हुआ। बोले बरबरीक ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरीक, हे महानायक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है।
या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या परवरी तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं दे सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं दे सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। परवरी बोले प्रभु लो निकाली तलवार, शीश दान में दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने इसलिए रूप में आइए। और प्रेमियों, मेरे मोर मुगुलवंशी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। शीश से पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? परवरी बोले प्रभु मैं लड़ने आया था, योद्धा हूं, लड़ नहीं पाया, सिर्फ ये युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। और आप सब समझदार हैं अमृत क्या होता है। शीश को अमृत पिलाया गया, खाटू का शीश। ये सामने जो शीश है, ये मूर्ति हो सकती है, ये पंडाल टेंट हो सकता है, आप और हम कलयुगी प्राणी हो सकते हैं, मगर जब ये जोत जल जाती है, ये शीश उसी बर्बरी का शीश हो जाता है, ये पंडाल खाटू धाम हो जाता है, आप और हम बाबा के सेवक हो जाते हैं जब ये जोत जल जाती है। उस शीश को अमृत पिलाया गया और ऊंची चोटी पर रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो उसने किया। मन में अभिमान आया, युद्ध होने बताया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। अमरीक ना होते तो पांचों पांडव भी ना बचते, क्योंकि पांचों में घमंड आ गया था, ईर्ष्या आ गई थी। जिस परिवार में ईर्ष्या आनी शुरू हो जाए, ईर्ष्या मतलब जेलसी, जिन परिवारों में ईर्ष्या आनी हो जाए शुरू, समझ लेना वो परिवार पतन के रास्ते पे चल पड़ा है, टूटने के रास्ते पे चल पड़ा है। मगर जिस परिवार में ईर्ष्या नहीं होती, उस परिवारों को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। सर पांडवों में वही ईर्ष्या आने लगी। भीम कहता मैंने जिताया, अर्जुन कहता मैंने जिताया, लेकिन खुद जीत कर खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं कहना था। खुद कमाई करना और अपने मुंह से अपने आप को सेठ कहना सिखाई नहीं है, सिखाई वो जब जमाना कहे। सर पांचों ने मन में अभिमान जिताया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मेरे नौजवान भाई इतने प्रेम से सुन रहे, दुनिया कहती है पंजाब में नशा है, नौजवान नशा करते हैं। अरे आकर देखो, पंजाब में सांवरे के नाम का नशा है, नौजवान रातों को बैठ बैठ कर सांवरे का भजन सुन रहे हैं। जरा ताली बजा कर मुरली वाले के पास आ रहे हैं पांडव, उठा लो जरा बोलो हाथ प्रेम से, ये बात चलो चले बोले बताओ कन्हैया, आप जरा प्रेम से सुनिएगा, बताओ कन्हैया ये युद्ध किसने जिताया? अब बात चल रही है परवरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं, ताली बजाना जरा। जो चले गए उनको भी कुछ मिलेगा,
मगर जो बैठे हैं आपको सब कुछ मिलेगा। कन्हैया बोले पांडवों ये कैसा सवाल करते हो, तुम्हें नहीं पता मैं युद्ध में क्या कर रहा था, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। और अगर ड्राइवर नजर इधर उधर कर दे तो गाड़ी लग जाएगी, मैं तुम्हारा सारथी था, मैं अगर इधर उधर देखता तो तुम्हारा वक्त कौन चलाता। लेकिन हां इस युद्ध को एक है जिसने देखा है जो सही निर्णय करेगा। पांडवों ने जल्दी जल्दी में बोला प्रभु बताइए जल्दी बताइए, तो कन्हैया बोले लोचले उस शीश को बताओ परवरी ये युद्ध किसने जिताया, आप भी जरा ताली बजाइएगा। सच कहता हूं आपकी रसोई कभी खाली नहीं रही है, मैं गारंटी देता हूं आज के बाद, पर आपका कभी व्यापार हल्का नहीं रहेगा। नुकसान सोचोगे ना नुकसान हो जाएगा तो भी बाबा नुकसान नहीं होगा। परवरी बताओ युद्ध में क्या देखा, परवरी प्रमुख से आवाज आई हे पांडव मुझे पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम्हारे रथ पे ये पूरी धरती का भार लेकर बैठा था और कर्ण के रथ में अकेला कर्ण था, वो बाण चलाता था तुम्हारा रथ दो कदम पीछे जाता था, तुम बाण चलाते थे तो भी अर्जुन का रथ दो कदम पीछे जाता था, कर्ण का रथ दो कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम थे या कर्ण था, तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में मुरली वाला बैठा था। मुझे पूरे युद्ध में और कुछ नहीं आया। प्रेमियों इतनी सी बात सुनते ही मुरली वाले को बोलना पड़ा हे बर्बरी हे महानायक हे महाबली रोता जाओ हे मुरली वाला ताली बजाना जरा बर्बरी बाबा शाम बनने जा रहे दोनों आग बना के जाओ, ये मुरली वाला तुम्हें वरदान देता है कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में अगर कोई शांत पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं दुखाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और जाओ तुमने अपनी मां का वचन दिया था कि जो युद्ध में हारेगा तुम उसका सहारा बनोगे। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। अमृत पिलाने के कारण तेरा यह शीश अमर रहेगा और तेरे दरबार में जो भी भगत हार कर पहली बार आ जाएगा उसे दुनिया में कोई ताकत दोबारा हरा नहीं पाएगी। तेरे भक्तों को वरदान देता हूँ। और तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा तेरे दरबार में इस कलयुग में जो भी आ जाएगा सच्ची नीयत से लेकर आएगा तो अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। प्रेमियों ये वही सच्चा दरबार है खाटू नरेश बाबा श्याम हारे के सहारे मोरवी नंदन लखनादा नीले के सुना। और वैसे भी शास्त्र कहता है अगला जन्म जो प्रभु लेंगे कलगीधर के रूप में लेंगे वो भी लीले के असवार होंगे। हमारे लिए तो कलयुग के लीले असवार बाबा श्याम है, ये वही लीले के असवार है। उठा लो जरा दोनों हाथ प्रेम से और ताली बजा कर कह देना छोड़ेंगे ना हम तेरा I'm gonna get you.
उस दिन सातों जन्म दीक्षाएं करा दिए और जैसे बिल्कुल ही मौज में मिला जन्म जन्म के साइन करा दिए। तो अगर लालची बनना चाहते तो ऐसे बनना, जरा दोनों हाथ खोल के एक बार छोड़ेंगे ना हम। सच बताना, दोनों हाथ खोलकर मांग लेना, छोड़ेंगे ना हम तेरा। मैं छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि आज बाबा की कथा पहली बार किस किसने सुनी, जिसने पहली बार सुनी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आज बिना मांगे मत जाइए। मैं आपको एक एक भगत को लिख के गारंटी देता हूं, 20-20 15-15 सालों के अटके हुए काम भक्तों के हुए बाबा श्याम के दरबार में पहली बार जाने से। लोगों की क्रोध सुनी थी 10-10 साल से, बाबा श्याम ने उनकी भी सुनी है, उनके घर में भी गाना गया है। कोई दरबार से गाली नहीं गया, मेरी हाथ जोड़कर विनती, इसके दरबार में सुनवाई है, सुनवाई है। बाबा खुद चलकर आए हैं आपके लुधियाना शहर में, ऐसे मत जाने दो, कुछ ना कुछ मांग लो। गारंटी से कहता हूँ कभी खाली नहीं जाओगे। दोनों हाथ खोल कर प्रेम से एक बार और कह देना, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, महाबली हनुमान मंदिर में भी श्याम बाबा आने वाले है ना। मैं अशोक जैन जी से एक बार गुजारिश करूंगा, यहाँ आए लुधियाना में हैपोवाल में संकट मोचन महाबली हनुमान मंदिर है, कौन कौन गया उसमें, उस दरबार की सेवा हमारे बाबूजी के पास है। बहुत जल्दी मैंने भी गुजारिश करी थी कि जहां पर इतनी भीड़ आती है वहां पर श्याम बाबा का भी दरबार होना चाहिए, और इन्होंने इन पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सालासर बालाजी भी और खाटू श्याम जी भी, ये दोनों दरबार उस मंदिर में लगने वाले हैं। तो आप सबको कहीं खाटू जितना ही करंट मिलेगा, गारंटी से कहता हूं, दरबार में जगह बदल सकती है मगर दरबार की ताकत कभी कम नहीं हो सकती। बाबा आएगा तो उतने ही करंट के साथ आएगा, हल्का बनकर नहीं आएगा। तो जो जाएंगे जरा दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, जब कोई नहीं मेरे दुख के दिनों में वो लाते हैं, ओहो मेरे दुख के दिनों में वो लाते हैं। ये जो भगत बैठे हैं ना, ये वो बैठे हैं जिनके साथ बाबा बैठता है, ये वो बैठे हैं, नहीं तो कभी नहीं खराब होने देगा। एक बार जाकर जरूर आना, और अगर जा भी ना पाओ आज कीर्तन से जाने के बाद, घर में कोई भी मूर्ति हो, जरूरी नहीं है मूर्ति वाले की तस्वीर के आगे रोकर कह देना कि बाबा मेरा भी काम कर दे, मुझे भी खाटू बुला ले, काम कर दे तेरे दरबार में आ जाऊंगा। और सब देरी मत करना सा, उठा के जरा दोनों हाथ प्रेम से कहना, मेरी मैया चलती है नहीं होती, जब भी बुलाओ इतनी ऊंची ऊंची स्टेजें मत दिया करो,
मेरा कॉन्टैक्ट इनसे टूट जाता है सर, क्योंकि ठाकुर यहाँ नहीं, ठाकुर यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है ठाकुर। और आप सबको बोलता है मुझे तो ऐसे गाने का शौक है, प्रेम से कहना मेरी नहीं आ चलती है, पर नहीं होती।